मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के बैशाहा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल मनोज सहनी से नागेंद्र सहनी लगातार रंगदारी की मांग कर रहे थे। इनकार करने पर नागेंद्र सहनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। माननीय मंत्री मुख्य हमारा एक पॉइंट पर जितनी का खुदरा बिक्रता हम लोग बेचते हैं, दूसरे से लेकर हम लोग बेचते हैं। तीन दिन पहले ही 5,000 का कूपन दिए, रंगदारी का चंदा दो। हम लोग बोले चंदा नहीं देंगे, बोला चंदा नहीं देंगे तो मेरा जमीन है, साले झोपड़ी में आग लगा देंगे। अगर पूरा रिकॉर्डिंग है सर, पूरा भीड़ वहाँ लगा हुआ था, हमने पैसा नहीं देंगे। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, ये मनोज सहनी जो है, मनोज सहनी आ रहे थे और आने के क्रम में, जैसा कि मनोज सहनी के द्वारा आरोप किया गया है नागेंद्र सहनी को कि रंगदारी की मांग की गई और रंगदारी नहीं देने के कारण नागेंद्र सहनी और उनके समर्थकों के द्वारा मारपीट करके जानलेवा हमला भी किया गया है और बुरी तरह घायल कर दिया गया है। फिलहाल जो है यहाँ पुलिस मामले की छानबीन तो कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि नागेंद्र सहनी पर आए दिन रंगदारी मांगने का आरोप लगता आ रहा है और यहाँ तक भी जानकारी है कि ये इनकी साठगांठ माओवादियों से है और इनके विरुद्ध पुलिस थाने में कई एक मामले दर्ज हैं। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया धनंजय। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और जो मारपीट की घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। मुकेश सहनी घोषणा कर दिया, मैं बनाऊंगा मार्चा पे।